शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 25। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 25। और शमूएल मर गया और समस्त इसराइलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। माउन में एक पुरुष रहता था जिसका माल कर्मेल में था और वह पुरुष बहुत बड़ा था और उसके 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां थी और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबिगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि कर्मेल में नाबाल के पास जाकर कहो और मेरी ओर से उसका कुशलक्षेम पूछो और उससे यो कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि तू जो ऊन कतर रहा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे, सो इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? ईशा का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें जो कि त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबिगेल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया गया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की ओर उसके समस्त घराने की हानि ठानी होगी। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबिगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ियों का मांस और 5 सना भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकिया लेकर गद्दों पर लदवाई और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वह गद्दे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की उसका कुछ भी न खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यदि बिहान को उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ू तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही करे।
वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबिगेल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सन्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। फिर वह उसके पांव पर गिरके कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझमें कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठता है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना न होगा व मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबिगेल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती तो निसंदेह बिहान को उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा, सुन मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। तब अबिगेल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा किसी जेवनार कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है, इसलिए उसने भोर के उजियाले होने से पहले उससे कुछ भी न कहा। बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबिगेल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बातचीत करें। तो जब दाऊद के सेवक कर्मेल को अबिगेल के पास पहुंचे तब उससे कहने लगे कि दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगी, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए लौंडी बने। तब अबिगेल फुर्ती से उठी
और गधे पर चढ़ी और उसकी पांच सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली, और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। और दाऊद ने इज़राइल नगर की अहीनोअम को भी ब्याह लिया, तो वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। परंतु शाऊल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मीकल को लैश के पुत्र गल्लीमवासी पलती को दे दिया था।